हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला में आपने क से ज्ञ तक तो व्यंजन देखे ही हैं, बट ये जो दो व्यंजन है ये कुछ अलग ही व्यंजन है, यानी अलग ही वर्ण है। आप इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक तो हम ये व्यंजन तो जानते हैं जिसे बोलते हैं ड, ड से डमरू, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। और दूसरा होता है ये ढ। तो आप बोलेंगे कि ढ और ये ढ में क्या फर्क है, या फिर ये ढ और ये ढ में क्या फर्क है। फर्क ये है कि इस ढ के नीचे बिंदु लगा होता है, इस ढ के नीचे बिंदु लगा होता है यहाँ पर, और इन दोनों में यहाँ पर बिंदु नहीं लगा होता है। तो बिंदु लगने से ही इसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे ये है ड, और बिंदु लगने के बाद ड क्या हो जाता है, ड। उसी तरह ये ढ और बिंदु लगने के बाद ढ, ऐसा हम इसको पढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो ये दोनों वर्ण देख रहे हो, ये दोनों कुछ विशेष वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों का उच्चारण आपको मैंने अभी बता दिया, ये ड और ढ से अलग होते हैं, जो मैंने आपको भी दिखाया ड और ढ उससे अलग होते हैं। और इसे बोलने में समय लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि जब हम बोलते हैं इसको तो हमारी जो जीभ है वो बाहर की ओर फेंक रही हो, फेंकी जा रही हो, ऐसा आपको लगेगा। आप बोल के देखिए, ढ ढ, आप खुद बोलेंगे तो आपको ये महसूस होगा। इसे हम बोलते हैं ड और ये है ढ, ये बोलते हैं इसको ढ और ये है ढ। तो इस तरह से आपको इसका अलग अलग उच्चारण करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हम जीभ को बाहर की ओर फेंक रहे हैं। अब इन दोनों वर्णों का प्रयोग कभी भी शब्द के शुरू में नहीं होता। आपने कभी भी हिंदी की बुक उठा के देखिएगा, ये जो डॉट लगे हुए जो हैं वर्ण, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होगा। ये हमेशा किसी भी शब्द के बीच में आएंगे या फिर किसी भी शब्द के अंत में आएंगे। इसका यही पहचान है। आप कभी भी देखेंगे तो ये हमेशा शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में आएंगे। लेकिन ये जो ड से डमरू और ढ से ढक्कन है, इन सब से कोई भी शब्द शुरू हो सकता है और होता ही है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इससे शुरू होने वाले शब्द, जैसे अगर हम बोलेंगे ड से शुरू होने वाले शब्द, इसको मैं इधर लिख देती ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। ये ड है, तो ड से शुरू होने शब्द में पहला ये डमरू, ड म रू, डमरू। फिर हम ले सकते हैं डगर, ये सब देखिए शब्द इससे शुरू हो सकता है। लेकिन ये वाला जो है, जब नीचे डॉट लग जाता है ड से, ये क्या बन जाता है ड। तो इससे जो शब्द शुरू होता है, इससे शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है, हमेशा शब्द के अंत में या बीच में आएगा। जैसे मैंने लिया पहला शब्द पेड़, पे अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्या बनेगा ड, पेड़, नीचे ड ऐसी आवाज आनी चाहिए। दूसरा शब्द हम देख सकते हैं ल, अगर मैं डॉट ना लगाऊं, पहले आपको रीड करके बताती हूँ, ल डाई, ल डाई नहीं, ल डाई ड, डॉट लगाते ही लड़ाई ऐसा होगा। तो किसी भी शब्द के अंत में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है ये, और इससे तो शब्द शुरू ही हो सकता है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, ये जो ढ से ढक्कन है, तो आप पहला ही शब्द देख लीजिए, अगर इसकी मैं बात करूं तो हम इससे शब्द शुरू हो सकते हैं ढक्कन, ढक्कन हो सकता है। और अगर मैं दूसरा शब्द इसके लिए बोलूं, तो अगर दूसरा शब्द तो ढोलक शब्द इससे शुरू हो सकते हैं। लेकिन जब ये ढ के नीचे डॉट लग जाता है तो ढ और ये ढ ऐसे बन जाता है ढ। तो ये ढ से शुरू, जैसे हम ले सकते पहला शब्द प ढाई, ठीक है, पढ़ाई, या फिर पढ़ना, या अगला शब्द हम ले सकते हैं बढ़ते। तो ये आप देख सकते हो ढ, बढ़ते, बढ़ते नहीं, बढ़ते, ढ ऐसा इसका उच्चारण आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये ड और ये ढ, ये ढ और ये ढ, इन दोनों में क्या फर्क है। ये हमारा विशेष वर्ण है, जो कि हिंदी की बुक में और हिंदी वर्णमाला में आपने अलग से इसको देखा होगा। तो इसका कैसे उच्चारण किया जाता है वो हमने आज इस वीडियो में सीखा, और इसका कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ ये इन सबसे शब्द कभी भी स्टार्ट नहीं होते, ये हमेशा शब्दों के बीच में या
अंत में आते हैं। तो आपने समझ लिया होगा, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।